पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदांत दर्शनात्मक शास्त्र का प्रकरणभूत वेदांत सार ग्रंथ है। जो कि आचार्य सदानंद जी के द्वारा प्रणीत है। वेदांत शास्त्र प्रतिपाद्य वस्तु निष्प्रपंच है, निर्गतः प्रपंचो यस्मात् तद्वस्तु निष्प्रपंचम्। सचिदानंद स्वरूप जो अद्वितीय परब्रह्म है, उसको प्राप्त करना चाहता है जिज्ञासु मुमुक्षु, तो उसके लिए प्रक्रिया होती है। उस ब्रह्म का ज्ञान कराने की उस प्रक्रिया को बोलते हैं न्याय। न्याय का अर्थ यहाँ पर प्रक्रिया। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते प्रपंचते निरूप्यते बोध्यते। ज्ञान करा जाता है तो अध्यारोप तो ही है, वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। अधि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, रूप धातु होता है, रूप रूपा विमोहन है, घाय प्रत्यय करने पर होगा अध्यारोप। जैसे असर्पभूत रज्जु में पूर्व पूर्व ब्रह्मजन्य संस्कार से सर्प का अध्यारोप होता है, इस प्रकार एक वस्तु है अद्वितीय परब्रह्म, जिसको छांदोग्य श्रुति में कहा गया सदैव सम्य इदमग्रासीत एकम अवादतीय, जिसमें नाम रूप आदि कुछ भी नहीं। उसी में अवस्तु है, अज्ञान तत्कार्य यह अवस्तु। तो रज्जु अधिष्ठान स्थानीय है परब्रह्म, अज्ञान अज्ञान तत्कार्य मतलब दृश्यत्वावचिन्न सकल दृश्य ले लो, इसका आरोप होता है। इसलिए अज्ञान है
मूलाज्ञान, मूलाज्ञान। तो अखंड शुद्ध चैतन्य विषयक ज्ञानम मूलाज्ञानम, अखंड जो शुद्ध चेतन उसको विषय करने वाला ज्ञान अज्ञान होता है मूलाज्ञान। कुछ लोग तुला ज्ञान भी मान लेते हैं, वाचस्पति आदि लोग तुला ज्ञान नहीं मानते हैं। तो तुला ज्ञान यही है कि विशिष्ट चैतन्य विषय का ज्ञानम तुला ज्ञानम, विशिष्ट चेतन यही है, रज्जु अवच्छिन्न चेतन सुक्ति अवच्छिन्न चेतन, ये होता है विशिष्ट चेतन। उसको विषय करने वाला अज्ञान, रज्जु का अज्ञान सुक्ति का अज्ञान, इसको कहा जाएगा तुला ज्ञान। ऐसे तुला ज्ञान को वाचस्पति मिश्र आदि आचार्य नहीं मानते। संस्कार होना चाहिए, सर्प का संस्कार हो पूर्व पूर्व भ्रम से, तो रज्जु में जैसे सर्प का भ्रम हो जाता है, इस बगैर पहले जगत कहीं वास्तविक हुआ हो ये कोई आवश्यकता नहीं। अनादिकाल से ही ये जगत भ्रांति का विषय है, इसलिए जगत का ज्ञान भ्रम ज्ञान ही है। तो जन्य संस्कार हो जाएगा, इसलिए इसको कहते अविद्या द्वितय, इसलिए अविद्या अनिर्वाच्या विद्या द्वितीय सचिवस्य प्रहवतो ब्रह्मसूत्र में कहा गया भामतिकार ने। ये संस्कार और मूल है मूला विद्या, उसे सारा जगत आरोपित है, अज्ञान भी आरोपित है, उसका कार्य भी आरोपित है। तो कारण शरीर है अज्ञान, उसके बाद सूक्ष्म शरीर आया, सूक्ष्म शरीर कारण उपहित चेतन प्राज्ञ और ईश्वर, और सूक्ष्म शरीर जो है अपंचीकृत पंच महाभूत सूक्ष्म शरीर हुआ, 17 अवयव हुआ, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेन्द्रिय 5, पंच प्राण और मन बुद्धि। अहंकार का अंतर्भाव कहाँ पर? हाँ, बुद्धि में। और चित्त का अंतर्भाव दोनों में होता है। हाँ, इस बात को ठीक से समझ कर रखना, इसलिए 17 अवयव है। उससे जो उपहित चेतन, उपाधि से युक्त को बोलेंगे उपहित, है ना? हाँ, तो उपाधि से युक्त है बेष्टि में कौन है भाई? तेजस। और समष्टि में अभिमान करने वाला सूत्रात्मा कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, है ना? और क्या कहते हैं? हाँ ठीक, प्राण कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति को लेकर के उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, और क्रिया शक्ति वाला होकर के उसको प्राण बोलते हैं, है ना? और सूत्रात्मा कहते हैं सर्वत्र अनुसूत है हिरण्यगर्भ, इसलिए कह दिया सूत्रात्मा कहा। इसका जो विषय है सूक्ष्म शरीर में अहिमान करने वाले चेतन का विषय होता है सूक्ष्म होता है, वासनामय होता है। स्वप्न में जाता है तो वासनामय भोग है, स्थूल नहीं होता है। इसलिए मांडुके में कहा था प्रविविक्त भूख, है ना? जागृत विषय है स्थूल, उसकी अपेक्षा से स्वप्न का विषय होता है सूक्ष्म, इसलिए प्रविविक्त, प्रविविक्तम सूक्ष्मम भुंगते इति प्रविविक्त भूख। कौन? तेजस। और तेजस जो है ना, ये बेष्टि अभिमान है, क्योंकि अंतकरण तेजस होता है, सत्वगुण प्रधान होता है,
इसलिए तद विशिष्ट चेतन को भी कह दिया तेजस, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहा, उपाधि भी एक ही है, व्यष्टि उपाधि समष्टि से भिन्न नहीं है, और तत् अवच्छिन्न जो आकाश है वो भी एक ही है। दृष्टांत दे दिया, जैसे वृक्ष और कौन वन, इसी प्रकार से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अवच्छिन्न चेतन और समष्टि सूक्ष्म अवच्छिन्न चेतन वो एक ही है। ये अवच्छेदवाद, अवच्छेदवाद वाचस्पति के अनुसार उनका कहना यह है भी उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, चेतन में कुरूप तो है ही नहीं, गुण धर्म कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा। इसलिए सब अवच्छेद है वो, है ना, सूक्ष्म शरीर अंतकण कह लो कोई बात। जैसे आकाश, इसलिए यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग किया, और बोलते हैं रूप होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आकाश ही प्रतिबिंब हो सकता है जल में, है ना। जैसे मान लो आपका जो है मुख, वो तो रूपी है, रूप वाला है, दर्पण में दिखता है कि नहीं, केवल मुख दिखता है कि मुख का रूप भी दिखता है, दोनों दिखता है, मुख हो गया रूपी और रूप अरूपी है कि नहीं है। मुख हो गया रूपी, मुख में जो रूप होता है वो रूपी है कि अरूपी है, क्या है, रूप रूप वाला नहीं होता है। रूप तो अरूपी होता है कि नहीं, तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, है ना। इसलिए जो है ब्रह्म तो अरूप है ही, वो उसमें कोई रूप नहीं है, फिर भी उसका प्रतिबिंब क्यों नहीं हो सकता है, ये इनकी युक्ति है। ये पंचोदशी में ये सब विचार है, इसलिए प्रतिबिंबवाद है, ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब को दिखाया, चाहे अवच्छेदवाद कह लो चाहे प्रतिबिंबवाद कह लो, दोनों तो उपाधि को लेकर के है, उपाधि को छोड़ दिया है तो कोई भेद नहीं होता है, चेतन के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए बस कार्य उपाधि अयम जीव, कारण उपाधि ईश्वर, बस कार्य को उपाधि मान लो तो जीव हो गया, है कि नहीं, और माया को उपाधि मानेंगे तो इसको ईश्वर कह दिया, चाहे अवच्छेदवाद मान लो चाहे प्रतिमावाद मान लो, कार्य उपाधि हो तो जीव, कारण उपाधि हो तो बस ईश्वर है। ये सूक्ष्म शरीर का विचार यहाँ पर हो गया, ये भी अध्यारोपित है, सूक्ष्म शरीर भी अध्यारोपित और तद अवच्छिन्न चेतन विशिष्ट वो भी अध्यारोपित है। कहाँ पर, जिसमें अध्यारोपित है, जिसको कहा वस्तूनि, जिसमें अध्यारोपित है वो हो गया सद्ब्रह्म, है ना, वही तत्पद का लक्षार्थ है, वही ओम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म पद का लक्षार्थ है। उसके बाद जो है स्थूल भूत, देखो स्थूल भूत, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, स्थूल भूत जो होते हैं पृथ्वी आदि पंच महाभूत, ये तो पंचीकृत हो, तू कहने से क्या हुआ, जो सूक्ष्म जो भूत है वो पंचीकृत नहीं, स्थूल भूत होते हैं पंचीकृत, है ना, पहले अलग अलग हुए थे, मिश्रित नहीं थे, अब हो गए मिश्रित पंचीकृत, इसको दे पंचीकरण, पंचीकरण प्रक्रिया बहुत सारी बहुत जगह पर है, आपके तत्वबोध आदि में भी है, पंचदशी में भी है, वेदांत सार में भी है। पंचीकरणम तो पंचीकरण इस प्रकार का होता है, आकाशादि पंचस्व, देखो आकाशादि पंच महाभूत है, पहले सब अलग अलग थे,
परमात्मा ने अलग अलग बनाया प्राणियों के और दृष्टि के बस से परमात्मा ने सब बनाया और अविद्या भी सहाय है। लेकिन स्थूल के बिना व्यवहार नहीं होता है ना, स्थूल के बिना व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि जीव भी तो व्यवहारिक है, उनको स्थूल चाहिए। तो जीवगत जो धर्माधर्म है, उस धर्माधर्म की अपेक्षा से सूक्ष्म भूतों से स्थूल बनाते हैं परमात्मा। यही है पंचीकरण प्रक्रिया, देखो बताते हैं। आकाश आदि पंचसु पांच महाभूत है, उसको पहले दो दो भेद कर लो, एकम द्विधा समम विभाज्य 50-50, एकदम आधा आधा कर दिया, समम विभाज्य, तो कितने भाग हो गए? हाँ, एक के दो है तो पांच के, पांच गुना दो 10 हो गए, तो बोले गए तेसु दसु भागेशु। और एक भाग को रखो और जो दूसरा भाग है उसको भी चार चार कर लो, चार चार, ठीक है भी। आकाश को दो भाग किया, एक भाग को रखा, दूसरे भाग को चार कर दिया, फिर इसमें अगर वायु तेज जल और पृथ्वी को ऐसे ही करना है, ये लेके आगे देखो। तेसु दसु भागेशु प्राथमिकान पंच भागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, दूसरा भाग जो था ना उसको चार चार भाग कर दिया, चार चार कर दिया, है ना। तेसाम चतुर्नाम भागानाम, ये जो चार भाग हुए थे ना, उसको क्या करना है, दूसरे में जोड़ देना है। जैसे एक को समझेंगे तो सबको, आकाश पहले था है ना, शब्द तन्मात्रा को अपंचीकृत आकाश कह लो, एक ही है। तो एक भाग को रखा बाएं तरफ, दूसरा भाग जो था उसको चार भाग किया, और चार भागों को दूसरे में जोड़ दिया, फिर वायु में जोड़ दिया, मतलब वायु के जो पहला भाग था उसमें जोड़ना है, वायु में जोड़ दिया, तेज में जोड़ दिया, चल में जोड़ दिया, इस बगैर पृथ्वी में भी जोड़ दिया, ठीक है। इस बगैर वायु को भी जोड़ना है तो आकाश में भी आएगा, ठीक है, ये प्रक्रिया है। स्व स्व द्वितीय अर्ध भाग परित्याग है ना, एक भाग को तो रखा जो 50% था उसको नहीं जोड़ा, दूसरे भाग के जो चार भाग के उसको जोड़ा, ये कारण देखो। भागांतरेषु संयोजन, दूसरे भाग में उसको जोड़ना, संयोजनम पंचीकरणम, उधर अन्य देखो, भागांतरेषु संयोजनम, दूसरे भाग में जोड़ना मतलब मिलाना, इसको कहते हैं पंचीकरण। और इसी बात को पंचोदशीकार भी कहते हैं, स्वामी विद्यारण्य मुनि तत् उक्तम, तत् पंचीकरणम उक्तम, कुत्र पंचदशी ग्रंथे, कई ही स्वामी विद्यारण्य मुनि भी, मुनि महाभाग ही। श्लोक देखो, द्विधा विधाय चैकेकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतेर द्वितीयांशैर् योजनात् पञ्च पञ्चते। पढ़िए, तृतीय पद क्या है श्लोक में, तृतीय पद क्या है? है स्व श्वेतर द्वितीयांशर रेफ, ये हो गया स्व श्वेतर द्वितीयांशर, ऐसा नहीं है, नहीं है तो कर दीजिए भाई, स्व श्वेतर
द्वितीयांशैर रेफ, ठीक है, ये हो गया तृतीय पाद। चतुर्थ पाद है योजनात् पंच पंचते, ठीक है। तो अर्थ तो बता दिया, केवल श्लोक है, दो दो भाग कर दिया अभी प्रत्येक को, ठीक है। पहले दो भाग किया पंचमावते को, और जो दूसरा भाग है, पहले भाग को रोका, दूसरे भाग जो था वो सभी को क्या कर दिया, एक एक कम, मतलब प्रत्येक को एक एक कम कर दिया, क्या प्रत्येक चार चार भाग कर दिया, प्रथम चतुर्धा प्रथम पुनः, फिर चार भागों को जोड़ दिया दूसरे में, स्वे स्वे तरह द्वितीयांशर योजना जोड़ने पर क्या हो गया, ते पंच पंचते, सबका गुण सभी में है, आकाश में जो वायु आदि का भी है, वायु में भी आकाश आदि का सबका है। लेकिन ये जो आपने पंचीकरण बताया, लेकिन ये तो अप्रामाणिक लगता है हमको, क्यों, क्योंकि हम छांदोग्य पढ़े हैं ना, छांदोग्य पढ़ करके वेदांत सार पढ़ रहे हैं, मतलब बड़ा होगा कोई छात्र तो पहले छांदोग्य पढ़ा है। नहीं, थोड़ा सा सुना होगा ज्ञान यज्ञ में, नहीं पूरा ना भी पढ़ा हो भाष्य सहित, मूल मूल सुना होगा, है कि नहीं, ऐसे भी होता है। नहीं तो पाठ चल रहा है छांदोग्य, कभी एक दिन बैठ गया होगा, संजोग से छांदोग्य में आया, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो रोड पर जाते जाते सुन लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। कोई नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, कोई आया है सत्संग में, वो क्यों, वो श्रवण के लिए नहीं आया था, जूता चप्पल लेने के लिए आया था। लेकिन 5-10 मिनट तक बैठना पड़ेगा कि नहीं, तब तो मौका देख कर लेगा, लेकिन उतने में सुन लिया भाई छांदोग्य का थोड़ा सा। और क्या, फिर बाद में फिर जो है कुछ पुण्य उदय हुआ, फिर वेदांत सार पढ़ने के लिए आ गया। और क्या, कैसे भी सुने उसका पुण्य तो होता ही है, चाहे जूता चप्पल के लिए क्यों ना सुनता हो, है ना। तो इसलिए अप्रामाण्य की शंका तो बन जाती है, अस्य अप्रामाण्यम, अस्य कहने से पंचीकरण से, आप जो पंचीकरण क्रिया बता रहे हो इसमें तो अप्रामाण्य लगता है, अप्रामाण्य की शंका हो रही है, क्यों छांदोग्य में पंचीकरण नहीं कहा गया, वहां पर त्रिवित करण कहा गया, तेज जल और पृथ्वी का कहा, आकाश और वायु का तो नहीं कहा, है ना। इसलिए जो है अप्रामाण्य की शंका बन जाएगी, न आशंकनीयम, इस पंचीकरण के विषय में अप्रामाण्य की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कहते हैं ये जो त्रिवित करण कहा गया छांदोग्य में, वहाँ पर उपलक्षण लिया जाता है, वहाँ पर तेज जल और जो है पृथ्वी का कहा गया, अन्न पृथ्वी, लेकिन कारण के बिना कार्य तो होगा नहीं, क्योंकि आकाशात वायु, वायु और आपो ऐसा कहा गया, है ना, ये आप कह दिया, वायु तेज कहा गया, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी कहेगी उत्पत्ति, और त्रिवित करण कहने से ही उपलक्षण हो गया आकाश और वायु का भी, आकाश वायु की उत्पत्ति न हो तो तेज आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना, क्यों कारण के बिना, उपादान कारण के बिना तो कार्य नहीं होता है। ये कह रहा, देखो त्रिवित करणा श्रुते, छांदोग्य में जो त्रिवित करण प्रतिपादन करने वाली जो है श्रुति है छांदोग्य की, वो जो है पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्, वो पंचीकरण का भी वो उपलक्षण है, मतलब तीनों का जो कथन तेज जल और पृथ्वी,
वो उपलक्षण है। उपलक्षण यही है, स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। जो शब्द कथन है वो अपने अर्थ को बोध तो कराएगा और अपने से इतर अर्थ है उसका भी बोधक जो होता है शब्द उसको कहते हैं उपलक्षण। तेज जल अन्न अपने अर्थ जो वाच्य अर्थ है उसको बोध कराते हुए जो नहीं कहा गया शब्द कौन है भाई, आकाश और वायु, उसके अर्थ का भी बोध यहाँ पर करा देगा। इसलिए पंच ये त्रिविध करण छांदोग्य में प्रामाण्य है और प्रामाण्य नहीं है ये बात कह रहे हैं। पंचानाम पंचात्मकत्व। अब एक बात कहते हैं, देखो आकाश का भी पंचीकरण हुआ, वायु का भी हुआ, ये आकाश में वायु का आदि का भी गुण है तो आकाश को फिर आकाश क्यों कहते हो, सबका गुण जब है नहीं, वायु को वायु क्यों कहते हो, वायु में भी सबका गुण है। तो कहते हैं देखो उसमें ज्यादा मात्रा है, आकाश में जो 50% था कि नहीं पहले, तो उसकी मात्रा ज़्यादा थी फिर उसका नाम होगा, उसका नाम होगा ना ये कह रहा है। पंचानाम पंचात्मकत्वे, पांचों में पांचों का गुण है इसलिए पंच पंचात्मक है, समान होने पर भी तेसुच आकाशादि में आकाशादि शब्द का जो व्यपदेश होता है वो किसको लेकर के, मात्रा की मात्रा का अधिक को लेकर के, ये हम नहीं कह रहे हैं भगवान व्यास, उसने भी कहा है ब्रह्मसूत्र में वैशेषा तदवादस तदवाद, ये देखो उसमें विशेषता होने से मात्रा अधिक होने से उसको आकाश कहा गया, वायु की मात्रा ज़्यादा होने से उसको वायु बोलते हो। जैसे बोलते दाल बनाओ, दाल बनाओ बोलते ना, तो दाल में केवल दाल ही है क्या, दाल में केवल दाल है, दाल बनाओ बोलते ना दाल में क्या क्या है, जल भी है और क्या, जल भी है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना वो केवल जल जल बना देते हैं, वो फिर बोला भी जाता है ये भी दाल है कि गंगा जल है हम लोग काशी में तो और क्या, 20 आदमी रहेंगे तो एक पाव दाल रहेगी, एक पाव भी मुश्किल है, 100-200 ग्राम रहेगी तो लोग बिनो दे बोलते हैं भाई दाल है कि गंगा जी का जल है कि नहीं, लेकिन जल तो कम रहेगा ना तो चलो तो उसमें दाल भी रहती है, वो हल्दी वगैरह भी रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन दाल की मात्रा ज़्यादा होने से उसको क्या बोलते हो, दाल बोलते हो और क्या है कि नहीं, ऐसे ही समझ लो। इति न्याय नाम, ये ब्रह्मसूत्र है न्याय। आकाशादि व्यपदेश, इसलिए आकाशादि में आकाशादि का शब्द प्रयोग, व्यपद मतलब शब्द प्रयोग, आकाशादि व्यपदेश आकाशादि शब्द प्रयोग संभवति, संभव है तो कोई विरोध नहीं है। तदारिम आकाश शब्दो अहिवज्यत, लेकिन ये ध्यान रखो ये केवल प्रक्रिया मात्र है, ऐसा नहीं समझना है कि फिर जो है सब में समान गुण है फिर मिला दिया ना, मिला दिया तो फिर जो है पृथ्वी भी पंचीकृत हुआ, पृथ्वी जो पंचीकृत हुआ तो फिर विचित्रता कैसे हुई, घट और पट दोनों पार्थिव है कि नहीं, तो घट वस्तु जैसी पंचीकृत है पट भी क्या है पंचीकृत है, बराबर है हाँ। जैसे आम्र का वृक्ष वो भी पंचीकृत है और बांस का वृक्ष भी पंचीकृत है, तो दोनों में समान गुण है, कहाँ समान गुण है, देखा जाए तो कार्य कहाँ दिखता है, समान पंचीकरण तो समान है,
आम्र वृक्ष में जैसे जैसे चार गुण हैं अपने कारण के, आकाश के भी है, वायु के भी है, तेज के भी और जल के भी है, बराबर है। तो वो जैसे आम्र वृक्ष में है इसी प्रकार बांस के वृक्ष में भी है, लेकिन दोनों का कार्य समान होता है क्या? नहीं होता है। आम्र वृक्ष में जल की मात्रा ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, और बांस में जल की मात्रा कम होती है। जैसे चीड़ का वृक्ष होता है, चीड़ का वृक्ष, हाँ उसको तो सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी जला दो जल जाता है, पहाड़ में होता है कि नहीं। तो ये जो देखा जाता है विचार करने पर, हैं तो जो है ये निर्णय होता है सब क्या है, माइक है, कैसे बन गया ये कहना कठिन, एक प्रक्रिया मात्र है, बस प्रक्रिया मात्र है ना। जैसे मान लीजिए मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला पार्थिव है ना, और कपास, कपास क्या है, वो भी पार्थिव है, लेकिन दोनों में समानता है, हैं तो इसको फेंक दो भैया मिट्टी का ढेले को, मिट्टी का ढेला को फेंक दो, ठीक है ना, और कपास को फेंक दो, कपास तो उड़ जाता है, तो वायु की मात्रा कपास में ज़्यादा है और मिट्टी में वायु की मात्रा कम है, बराबर है, ऐसा होता है। जैसे लोहा है, मान लो लोहा तो नया के लोग तेजस कहते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं, लोहा है और मान लकड़ी है, लकड़ी है ना, दोनों को बराबर वजन कर लो, दोनों को क्या है बराबर वजन कर लो और पानी में छोड़ दो, लोहा डूब जाता है और लकड़ी नहीं डूबती, इसलिए विचार करेंगे तो कुछ निर्णय ही नहीं होता है, अंततत्व क्या ना मरता है, ये सब माया से हो गया बस, है ना। ऐसे ये केवल प्रक्रिया है कि ऐसा है, बना है, पंचीकृत हुआ है, ये सब क्या है, माया से अध्यारोपित है। चलो तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, आकाश में जो है आकाश की मात्रा शब्दों की तन मात्रा ज़्यादा है, फिर उसमें शब्द की अभिव्यक्ति होती है। और वायु में देखो, वायु का अपना गुण है कौन, स्पर्श, और उसका कारण है आकाश, क्योंकि आकाश की मात्रा भी है, इसलिए शब्द स्पर्श, वायु में शब्द और स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन हम तो तर्क संग्रह पढ़े हैं भैया, आकाश का लक्षण हो गया शब्द गुण कम आकाश, लेकिन ये लोग बोलते नहीं वायु में भी शब्द होते हैं, कि आकाश से वायु की उत्पत्ति है, ठीक है, और आकाश का गुण जो है वायु में होगा, इलेक्ट्रॉन जो सीकर कहते हैं वायु बहता है, वायु बोले सांस करके वायु बह रहा है, बोलते कि नहीं, ये दरवाजा बंद करो बोलते है ना। तो ये लोग मानते हैं वेदांत में अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी, और अग्नि में तीन गुण है, अग्नि का अपना गुण क्या है, रूप, ठीक है, क्योंकि रूप तन मात्रा से है, और अपना जो कारण है आकाश और वायु, उसका भी गुण आ गया, तो तीन गुण अभिव्यक्त होते हैं अग्नि में, कौन कौन भी, शब्द स्पर्श और रूप, ये सब अलग अलग समझना है। यद्यपि माइक है फिर भी उसको समझना, अभी तो माइक है ज्ञान तो नहीं हुआ ना, अलग अलग समझ करके फिर विचार करना होता है, ये सब भाई माया से एक परब्रह्म में सब आरोपित है, जैसे सर्पादि रस्सी में आरोपित है, ऐसा विचार करना होता है। बिना समझे अध्यारोपों का भी ज्ञान नहीं होगा, अपवाद तो बहुत दूर है, अग्नौ यही हो गया। और आगे जल में ले लो, अपशु शब्द स्पर्श रूप रसा, जल में जल का अपना गुण है रस, रस गुण है, और अपने कारण के तीन गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप,
शब्द कहाँ से आया भाई? आकाश से, स्पर्श वायु से और रूप तेज से आया। तो ये चार गुण दिखते हैं जल में। क्योंकि जल जब बहता है, गंगा जी बहती है, देखो गंगा जी जब बहती है तो शब्द भी होता है। और नहीं अगले बोला नहीं भाई तुम लोगों की बुद्धि नहीं है, अरे उसमें भी तो आकाश है कि नहीं? जले जलावच्छिन्न आकाश, उसमें शब्द होता है, वहाँ तक क्यों जाते हो? जब जल में जब भास रहा है तो वहाँ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि जलावच्छिन्न आकाश तक, जल का ही मान लो। और श्रुति बोल रही है, हम तो श्रुति के अनुसार चलेंगे, तो युक्ति वहाँ पर की आवश्यकता नहीं है। पृथिव्याम, पृथ्वी में पांच गुण होंगे, अपना गुण हो गया गंध, और अपने चार कारणों का चार गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, कहाँ पर? पृथिव्याम, पृथिव्याम है अभिव्यज्यन्ते, उसका अध्ययन कर लो। अभिव्यज्यते एक वचन है, इसको बहुवचन करिए तो ये गुण अभिव्यक्त होते हैं। कहाँ पर वे? पृथ्वी में। आप फिर अध्याय अपवाद कैसे करेंगे? बोले कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, समझ में आ गया नहीं? ये सब गुण कार्य है, गुण कार्य भी अपना उपादान पृथ्वी आदि से भिन्न नहीं है। और स्थूल जो है पृथ्वी आदि अपने सूक्ष्म से भिन्न नहीं है, ये अपवाद होता है। अंतिम तक जो है माया, माया अवच्छिन्न ईश्वर तक जाएंगे, ये भी वो भी अप्यारो अध्यारोपित है। ये आगे बता जाएगा। अब हो गया स्थूल प्रपंच, देखो स्थूल प्रपंचो उत्पत्ति। एतेभ्य पंचकृतेभ्य, स्थूल पंचकृत पंच महाभूत हो गए, ऐसे पंचकृत स्थूल भूतों से सारा पदार्थ उत्पन्न हो गए। कौन कौन उत्पन्न हो गए? भूर भुव स्वर महर, रेफो नहीं चाहिए, मह के बाद रेफो महर लिखा है, मह और ज के ऊपर रेफो नहीं चाहिए, मह बस इतना, म के ऊपर तो चाहिए स्वर। भूर्भुव स्वर मह जन तप सत्यम, कितना हो गए भाई? सात हो गए ना। इति एतत् नामकानि उपरी उपरी विद्यमाना नाम, ये सब ऊपर ऊपर है, भू से लेकर के सबसे ऊपर कौन है? सत्य लोग है भाई, कि नहीं? तो हम लोग को कहाँ जाना है? वेदांसार पढ़ कर कहाँ जाना है? किस लोग में जाना है? है कहाँ जाना है? नहीं जाना है ना? आए नहीं, किस लोग में मिलना है? भगवान में तो मिलना है, बात सही है, यहाँ मिलना है कि और कोई लोग में मिलना है? और कहीं लोग में मिलना है तो वेदांसार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? है कि नहीं? किसी लोग में जाना ही नहीं है, इसी जन्म में ही मुक्त हो जाए बस, है कि नहीं? ऊपरी परि विद्यमान नाम, और ऊपर जब नहीं जाना है तो नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ और अशास्त्रीय कर्म भी करेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे तो जाना पड़ेगा। तो जहाँ नीचे जाना पड़ता है उसका भी नाम समझ लो, वह जाना तो नहीं है। तो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातल, कितना हो गए भाई? सात हो गए। ऊपर में जो है सात, नीचे भी सात हो गए। है ना, याद तो करना चाहिए। तो यहाँ से नीचे हो गया अतल, और सबसे नीचे हो गया कौन? पाताल। बस ये अधो अधो विद्यमान, नीचे नीचे की ओर विद्यमान है। लोकानाम ब्रह्मांड से, ये सारा का सारा ब्रह्मांड है,
ब्रह्मांड है। तद अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, ब्रह्मांड में चार प्रकार के शरीर वाले है, चतुर्विध स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी होता है स्थूल शरीर भी होता है। केवल सूक्ष्म शरीर से तो भोग होगा नहीं, स्थूल शरीर भी होना चाहिए क्योंकि श्रुति कह रही है भले ही विलक्षण शरीर हो देवताओं का लेकिन उनका भी स्थूल शरीर होता है। ये ब्रह्म सूत्र आदि में विचार है, ठीक है। और स्थूल शरीर, लेकिन स्थूल शरीर तो अन्नमय होता है, अन्न का विकार होता है, उनको अन्न भी चाहिए, इसलिए भगवान ने अन्न भी बनाया। देखो तद उचितानाम है ना, उसके लिए जो उचित है ना, जिस शरीर के लिए जैसा उचित है ऐसा अन्न पान आदि बनाया है ना परमात्मा ने बनाया। आप परमात्मा के नियम को लोग तोड़ देते हैं, नया आविष्कार करते हैं, आविष्कार करते हैं कि देखो खान पान कितना बदल रहा है, लेकिन ये क्या है, परमात्मा के नियम को तोड़ना है कि नहीं, ऐसा होता है ना। जैसे आजकल क्या क्या खाते हैं भाई, ऐसे गोल गोल होता है ना, नीचे भी ब्रेड रखते हैं ऊपर भी, और नीचे क्या बीच में भरते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं बर्गर ये आजकल फेवरेट है, आजकल पढ़े लिखे लोगों का है, और मुंह खोलना पड़ता है बड़ा विलक्षण है, जैसे बंदर खोलता है, बंदर जैसे खोलता है ऐसे खोल कर खाते हैं भी। बताओ तो ये बंदर की प्रवृत्ति है, तो फिर मनुष्य की प्रवृत्ति कहाँ है चलो लेकिन बंदर मुंह खोलता तो है लेकिन नियम के अनुसार रहता है, नहीं नियम के अनुसार। चलो आगे, ये हो गया तद उचिता अन्न पानादीनाम च उत्पत्तिर्भवती। चतुर्विध शरीराणि, चार प्रकार के शरीर है स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार के, स्थूल शरीर हो गया चार प्रकार का, और सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार का, वो एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार है। अभी जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना, आपका नहीं बोलेंगे, किसी का भी हो नहीं तो मुझे बोल रहे हैं बोलेंगे आप, तो सूक्ष्म शरीर अभी मनुष्य शरीर में जो है वही सूक्ष्म शरीर पशु पक्षी आदि में भी जाता है, एक ही सूक्ष्म शरीर है, वो बदलता नहीं है। जब से मिला है वो तब तो रहेगा ही रहेगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक सूक्ष्म शरीर तो एक ही रहता है, ठीक है ना भाई तो चार प्रकार का शरीर क्या है, देखो स्थूल जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानी जरायुजानी जरायुभ्यो। देखो पहले नाम समझ लो, एक हो गया जरायुज, उसके बाद अंडज, उसके बाद उद्भिज, उसके बाद स्वेदज, ऐसा होता है चार प्रकार का होता है। तो जरायुजानी आ जाए, ये देखो जरायुज हो गया, अंडज हो गया, उद्भिज हो गया, स्वेदज हो गया, तो कितना हो गया, और एक कह दिया आख्यानी, ये भी तो एक हो गया नहीं हुआ, तो पांच हो गए कि नहीं हो गए, है ना आख्या मतलब नाम, आख्या मतलब नाम, ये चार है नाम जिसके, समझ में है ना, ऐसा है जरायुज अंडज उद्भुज स्वेदजाहा आख्याहा ये साम तानी शरीराणि, ऐसा विग्रह करना है, नाम है जिसके। पहला नाम हो गया जरायुज, जरायुज शरीर है जरायुज, क्यों जरायुज कह दिया, जरायुभ्यो जातानि, जरायुज से जो उत्पन्न होता है, मातृ शरीर के जो अवयव विशेष है जरा, जरायु उससे जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जरायुज, जरायु उपपद रहते जन धातु से होता है, जन ड कर देंगे तो बन जाएगा जरायुज,
ठीक है, कौन जरायु यह शरीर है, मनुष्य पशु आदि ये है, और पक्षी पक्षी है क्या, पक्षी क्या है, अंडज है कि जरायुज है, लेकिन कोई कोई पक्षी जरायुज भी होते हैं, कौन, हाँ चमगादड़। और चमगादड़ क्या होता है भाई, वो तो आजकल बताना मुश्किल है। हाँ कभी कभी उड़ते हैं ग्रीष्म काल में, जो अंधेरे में उड़ता है, है? पक्षी की श्रेणी में नहीं है। चलो अच्छा, उसके बाद है अंडजानी अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नगादीनी। देखो अंडे से जो उत्पन्न होता है, ये विग्रह पद दिया, अंडेभ्यो जातानी इति अंडजानी, ठीक है। कौन पक्षी है, उसके बाद क्या है पन्नग, पन्नग 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 किसका नाम, सर्प का नाम होता है पन्नग, सर्प जो नीचे जो पेट के सहारे जो चलते हैं उसको कहते हैं पन्नग, सरीसृप छिपकली आदि ये सब ले लो पन्नग, और क्या वही उनका पाद है, और क्या है ना, हाँ बाक पाणी पाद, ये जो पादा है ये कौन सा शरीर, स्थूल शरीर है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, पाद जो होता है ना वो सूक्ष्म शरीर है कि स्थूल शरीर है, ये तो है, ये तो गोलक है, हाँ सूक्ष्म शरीर में कहा गया बाक पाणी पाद, ये नहीं उसके अंदर है है कि नहीं, तो सर्प का रहेगा कि नहीं रहेगा, वो जो पाद जो इंद्रिय है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा हाँ, वो वही वो जो पेट है ना वही पाद है उनका, है कि वो नष्ट नहीं होगा ना, मान लीजिए कि पहले मनुष्य बना था लेकिन अभिशाप दे दिया नहुष को, जोग सूत्र में है ना अगस्त ऋषि ने अभिशाप दे, जाओ सर्प बन जाओ, है कि नहीं, तो सर्प बन गया, तो सर्प बन गया तो उसमें पाद है कि नहीं, सर्प में वही पाद है कि नहीं, फिर उसके बाद फिर क्या बन गया, फिर जो है देवता बन गया, फिर पाद अविभक्त हो गया, ऐसा होता है। इसी बार अन्य इंद्रिय भी ले लो, अन्य इंद्रिय जैसे श्रोत्र इंद्रिय आदि वो भी ऐसे ही है ना, किसी के शरीर में अभिव्यक्त नहीं होता लेकिन रहता है, रहता है। उद्भिजानी भूमि उद्भिद्य जातानी कक्ष वृक्षादिनी उद्भिज, बोलते हैं जो भूमि को जो भेदन करके, उद कहने से पृथ्वी, भूमि जो है जमीन उसको फाड़ करके जो है ऊपर आ जाता, अंकुर होता है ना, देखो अंकुर, और कोई कहते पत्थर को भी फाड़ करके आ जाता है, ऐसा होता है कि वृक्ष कौन बट वृक्ष देखो कैसे अंदर बीज है तो उसको फाड़ देता है एकदम ऊपर आ जाता है ऐसा होता है उसमें, इस प्रकार सामर्थ्य हो उसका जो जड़ है ना कितने अंदर आ जाता है, हमारे वहाँ के नहीं देखो ये नीचे है जो वृक्ष उसका जड़ तो वो कहाँ इस मकान से भी गा गया था, अंबिका सदन है इसमें आ जाता है। कौन है कक्ष वृक्षादिनी, कक्ष मतलब तृण, तृण है वृक्ष है, ये भी जीव ही है, इसको भी जीव कहा जाता है, ये भी चेतन ही है, उसमें भी चिदाभास की अभिव्यक्ति होती है। और स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी युक युका मशकानी, ये युग वगैरह होते हैं, मच्छर होते हैं, ये सब जो होते हैं जनों पसीने से ही उत्पन्न हो जाता है ऐसा हो जाता है। और कहीं कहीं बोलते हैं जैसे द्रौपदी, द्रौपदी है ना, तो द्रौपदी का शरीर कौन सा होगा इनमें से,
गिनो चार, लेकिन इनमें से कौन सा होगा? स्थूल शरीर एक भी नहीं है तो भी उनका शरीर नहीं, इसलिए कई के दो भेद कर लेते हैं, अयोनिच और योनिच, ऐसा भेद कर लेते हैं, योनिज और अयोनिच ऐसा कर लेते हैं। तो उनका शरीर क्या होगा? अयोनिज, योनिज में वो नहीं आएगा, ऐसे ही भेद कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यकेशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।